वो जाहिर है इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का जो है वो भी ये कहा जा रहा है कि वो रीअसेस कर रहे हैं सिचुएशन को किस तरह करना है। बीसीसीआई का रोल है, उसका रोल किसी से ढका छुपा नहीं है, हमेशा उसने बुली का रोल अदा किया है। आईसीसी को लोग कहते हैं ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, क्योंकि स्टेप डाउन योर प्रायोरिटी सीट, छोड़ दो ये सीट, अब मत लड़ो पाकिस्तान का केस आईसीसी में जाके, पाकिस्तान बैन कर दे आईसीसी को, नहीं खेलना हम लोगों ने यार, हम इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते इस तरह की यार। इस चीज पे एक्शन ले, आईसीसी को बीच में आना चाहिए और अभी भी बीच में आना चाहिए। न्यूजीलैंड अब भी इधर है, अगर ये पाकिस्तान को नहीं दिखाना चाह रहे, आईसीसी को दिखाएं, किसी को तो दिखाएं ना कि ये क्या चीज़ है। सारे ताने बाने पता चलें किधर से, और मैं आपको अभी भी कह सकती हूँ ये हिंदुस्तान का एक डेफिनेटली चूंकि इंडिया का रूल, क्यों उन्होंने इस तरह का नुकसान पाकिस्तान को पहुँचाया, पाकिस्तान क्रिकेट को एक तरह से कत्ल करने की उन्होंने साजिश की। इतना सब देखने और सुनने के बाद भी बीसीसीआई भी कभी कभी ये सोचता होगा, कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है। तो दोस्तों, न्यूजीलैंड तो पाकिस्तान के मुंह पे काली पोत के चली गई है, अब नंबर आता है इंग्लैंड का, फिरंगियों का। अभी फिरंगियों ने फैसला भी नहीं किया कि हम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। उससे पहले पाकिस्तान के शेख चिल्ली मंत्री, रेल मंत्री है पाकिस्तान के शेख चिल्ली मंत्री, इनको शेख चिल्ली मंत्री भी कहा जाता है, शेख अब्दुल शेख रशीद, आप जानते होंगे इनको। तो अभी से बड़बड़ाना शुरू कर दिए, रोना शुरू कर दिया, बीसीसीआई को, मोदी को, भारत को ब्लेम करना शुरू कर दिया। और भी अच्छे अच्छे सहाफी लोगों को आपका भाई आपके लिए लेके आया, वीडियो को देखिए, आपका भाई मिलता आपको आखिर में। लेकिन अब मैं ना मानूं वाली बात है, तो उन्होंने उनके इरादे कुछ और थे, तो उसका तो मेरे पास कोई याद नहीं। अच्छा शेख साहब, अब अगला मरला जो है वो जाहिर है इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का जो है वो भी ये कहा जा रहा है कि वो रीअसेस कर रहे हैं सिचुएशन को किस तरह करना है। बीसीसीआई का रोल यानी जो इंडिया का क्रिकेट बोर्ड है, उसका रोल किसी से ढका छुपा नहीं है, हमेशा उसने बुली का रोल अदा किया है, और स्पेशली पाकिस्तान के खिलाफ जो उसके अजायम है वो तो किसी से ढके छुपे नहीं है। जहां जहां उनको मौका मिलता है वो पाकिस्तान को एज अ सिक्योरिटी स्टेट पेंट करना चाहते हैं, पाकिस्तान को एक नाकाम स्टेट जो है वो पेंट करना चाहते हैं। क्या इस हवाले से आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है, क्या उन्होंने अभी आपको बता दिया है कि वो क्या करना चाहते हैं इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की अगर बात की जाए? देखिए, हमारे तरफ से तो उनको पूरी सिक्योरिटी, सेफ्टी, हर किस्म की उनको श्योरिटी है, लेकिन क्रिकेट डिप्लोमेसी जो है वो भी दुनिया का, इस खत्ते का एक बड़ा वेपन है। लोग पाकिस्तान का इमेज नहीं देख पा, देखना चाहते, वो नहीं देखना चाहते कि यहाँ न्यूजीलैंड का मैच हो और यहाँ इंग्लैंड का मैच हो। सो ये सारे जो है एक लार्जर, बड़ी स्क्रीन के जो महरकात हैं उसको छोटे छोटे पॉइंट्स के साथ पेश किया जा रहा है, और हमें इस पर बड़ा अफसोस है। हमारी ख्वाहिश थी कि न्यूजीलैंड यहाँ खेलता और फिर लंदन भी यहाँ खेलने आए, अब अगर आता है या नहीं आता है इसका मुझे अभी तक कोई इत्तला नहीं। अच्छा शेख साहब, फाइनली मुझे ये बताइए, आपके पास ऑब्वियसली इन्फॉर्मेशन भी है, आपकी एक कड़ी निगाह भी होती है, ऑब्जर्वेशन भी आपकी जो है, असेसमेंट आपकी क्या है, क्या हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ? माजी में जिस तरह हमारे मैदान खाली हो गए थे, क्या हम उस तरफ दोबारा जो है वो गामजन है, या इसके इम्कानात हैं इन द करंट जियोपॉलिटिकल सिनेरियो? मैं तो इस खत्ते में 4-5 महीने पाकिस्तान के लिए बड़े अहम देख रहा हूँ। अब लंदन वालों के लिए भी एक बहाना होगा, मुझे नहीं पता ये क्रिकेट बोर्ड बेहतर बता सकता है कि लंदन वाले क्या फैसला करते हैं। जियोपॉलिटिकल डिजाइन है और इसमें भारत बहुत पेश जो है वो नजर आता है। 2009 को जब श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर अटैक हुआ था गदाफी स्टेडियम लाहौर के बाहर, उस वक्त भी भारत का नाम आ रहा था। मैच शुरू होने से 2-3 घंटे कबल इस तरह की चीजें होना, मैं समझता हूँ कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है। मारिया पाकिस्तान को पहले ही क्रिकेट से तना करने की कोशिश की जा रही थी, और जिस तरीके से भारत के पेट में दर्द उठता है कि पाकिस्तान में ये सरगर्मियां कैसे हो रही, और आपने जियोपॉलिटिकल की बात की, आप देखें ना अमेरिका किस तरीके से अफगानिस्तान से भागा, भारत किस तरीके से अफगानिस्तान से भागा, तो आखिर वो लोग भी तो। मुझे ये बताइए, आईसीसी के हवाले से अगर देखा जाए तो रिमीडियल मेजर्स पाकिस्तान के पास क्या है, क्या हम कर सकते हैं? देखिए मारिया, आईसीसी को लोग कहते हैं ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, क्योंकि ज्यादातर जो स्पॉन्सर्स हैं, मेन स्पॉन्सर जो आईसीसी के इवेंट हैं, जैसे वर्ल्ड कप, T20, 50 ओवर का वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, वो सारे स्पॉन्सर्स भारत से आए। तो आप आईसीसी में जाकर क्या करेंगे? एक तो हमारे पास
कोई सबूत होना चाहिए। भारत की लॉबी इतनी तगड़ी है आईसीसी में, वहां माजी में भी क्या होता रहा है, भारत मुकर जाता है पाकिस्तान से, बल्कि वो तो एक केस जीत गया जो पाकिस्तान के खिलाफ था। मैं समझता हूँ कुछ नहीं होना आईसीसी में। तो आपको क्या लग रहा है आने वाले दिनों में, क्या मैं जैसे शेख साहब से पूछ रही थी, माजी जो है वो दोबारा आपको दोहराता हुआ नजर आ रहा है, हिस्ट्री रिपीटिंग इटसेल्फ, के हमारे मैदान खाली होते नजर आ रहे हैं? बांग्लादेश ने पहले इनकार कर दिया, इंग्लैंड जो है वो अब अपना रीअसेस कर रहा है, न्यूजीलैंड ने वैसे ही इनकार कर दिया, किस तरह आप क्या देख रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं हम? मारिया, ये एक बहुत बड़ा धचका है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। मैं तो कह रहा हूँ 3 मार्च 2009 के बाद ये 17 सितंबर 2021 का दिन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा धचका है। और अब आप देखें ना कि इंग्लैंड कह रहा है कि इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड 24 से 48 घंटों में फैसला करेगा। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान आना है जनवरी फरवरी में, बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। पीएसएल के मैचेस पाकिस्तान में होंगे, क्या गोरे क्रिकेटर, गैर मुल्की क्रिकेटर्स पाकिस्तान आएंगे? इससे पाकिस्तान क्रिकेट को जो नाकाबिले तलाफी नुकसान और इंग्लैंड भी 48 घंटे में फैसला कर रहा है, जहाँ के वसीम खान है वो भी कह रहे हैं 24 से 48 घंटे मॉनिटर करके हम भी फैसला देंगे। जब आप स्ट्रॉन्ग मैसेज नहीं देंगे किसी दूसरी नेशन को, आपको कोई इम्पोर्टेंस नहीं मिलेगी रमीज भाई। बहुत शर्म की बात है यार। आईसीसी के डंडा दे दो, घुसा दो आईसीसी के इस वक्त। बोलो ऐसी की कैसी तुम्हारे T20 वर्ल्ड कप की, नहीं खेलना मैं T20 वर्ल्ड कप। मुझे पूरी दुनिया से मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल्स आ रही है, लोग पूछ रहे हैं मेरे से यार ये क्या हुआ है पाकिस्तान के अंदर। कौन पूछ रहा है? दोस्त है मेरे यार, पूछ रहे मेरे से। तो टीवी अब क्या, पूरी दुनिया में तो बदनामी करा दी इन लोगों ने, सालों ने। यार मुझे बसी आ रही है, मैं क्या करूं? उसके ऊपर ये ढक्कन साले बेगैरत कौम के, न्यूजीलैंड के 50 लाख से भी ज्यादा बड़ा मुल्क नहीं है ये, पता नहीं कुत्ते कहां से पकड़ के लेकर आ गए थे, जो मलिया मेट कर गए पाकिस्तान की इज्जत 2% की कर गए 1 मिनट में, और इनसे पूछने वाला कोई नहीं है इसके पीछे क्या वजूहत है ये बताने वाला कोई नहीं है पाकिस्तान में। मेरी इज्जत खराब करी है रमीज भाई, मेरी इज्जत। क्या रमीज भाई ने यार पाकिस्तान की इज्जत को तेल किया इन लोगों ने? तो रमीज भाई कह रहे हैं ना आईसीसी में देख लूंगा। अबे क्या घंटा देखेंगे? तो वो तो अभी तो आए, वो क्या करे? डीआरएस का सवाल तो एहसान मानी से पूछा जाए, रमीज भाई का क्या कसूर है इसमें? वसीम से पूछो, ये जो इंग्लैंड से आया हुआ है इसकी इतनी एक्सपर्टीज भी नहीं है कि डीआरएस फाइनल करके रखे। शुरू से घटाई थी, अपने लोगों को जब पूरी मालूमात नहीं दोगे और कोई पूछेगा तो बोलोगे नेशनल इंटरेस्ट में नहीं बताया। अबे बेइज्जती करा दी हम सबकी इन लोगों ने मिलके, पीसीबी ने हम सबकी बेइज्जती कराई है और जिम्मेदार ढूंढ रहे। अबे जिम्मेदार घंटा मिलेगा? पहले भी इन्हीं से दबे थे आप, जब पाकिस्तान न्यूजीलैंड में था मार अलग खा रहे थे आपके बॉलर्स, हार आप अलग रहे थे, इन्होंने थ्रेट दे दिया कि यार अगर अब एक भी गलती हुई तो हम वापस भेज देंगे आपकी टीम। आप वहां पे रिक्वेस्ट कर रहे थे प्लेयर से वसीम खान, हाथ पांव जोड़ के आपने सीरीज खेली वो सारे ताने बाने पता चले किधर से। और मैं आपको अभी भी कह सकती हूँ ये हिंदुस्तान का एक डेफिनेटली इंडिया का रूल, क्योंकि देखे अगस्त में हमें 21st 22nd गार्डियन में एक आर्टिकल लिखा एक इंडियन ओरिजिन जर्नलिस्ट ने कि जी न्यूजीलैंड की टीम को सिक्योरिटी थ्रेट्स पेश आएंगे वगैरह वगैरह। अब ये मुझे बताएं कोइंसिडेंस था कि ये आर्टिकल लिखा गया खास तौर पे और वो भी एक इंडियन ओरिजिन शख्स ने? इसमें अभी कोई डाउट है डॉक्टर साहब, क्योंकि जब शेख रशीद साहब ने लास्ट ऑप्शन के तौर पे कहा न्यूजीलैंड, उन्होंने यानी हमारी गवर्नमेंट ने, कि अगर आपको ये डाउट है कि जो क्राउड आ रहा है स्टेडियम में उस क्राउड में से किसी से खतरा है तो हम क्राउड ही नहीं बुलाते, खाली स्टेडियम में मैच खेल लेते हैं। वैसे भी बाय द वे 25% सिर्फ अलाउड था कोविड की वजह से, कोविड की वजह से उन्होंने कहा सड़कें खाली कर देते हैं। मैं समझती हूँ कि ये न्यूजीलैंड की हुकूमत ने, प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरीके से बात नहीं सुनी, जिस तरीके से न्यूजीलैंड बता नहीं रही कि कौन सी सिक्योरिटी थ्रेट थी, क्या सिक्योरिटी थ्रेट थी, इस पे शक और शुबा होता है कि क्या ये सचमुच सिक्योरिटी थ्रेट थी भी कि नहीं, ये तो जिद थी कि भाई जाने जाना, क्या या सियासत खेली जा रही है। हाँ। बहुत बड़े पैमाने पर, बिकॉज देखें इसके बाद इंग्लिश इंग्लिश विमेन और मेन्स टीम्स ने आना था, तो ये तो एक बहुत बड़ी कंस्पिरेसी हुई ना कि ना सिर्फ आपने न्यूजीलैंड की सीरीज कैंसिल की, आपने शक और शुबा डाल दिया कि वो
इंग्लैंड की टीम्स भी आएंगी कि या नहीं। हमको मालूम है कि उनको कितना दुख और तकलीफ है कि वो अफगानिस्तान के अंदर इतना रुपया और पैसा खर्च कर कर इतने बंदे मरवा कर और जलीलो ख्वार होकर और रुस्वा होकर वहां से निकले हैं। गो के इस वक्त जितनी भी मगरबी ताकतें हैं उनको पाकिस्तान की अशद्द जरूरत है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं और शक की बात ही नहीं है। हम इस वक्त उनके मरकज़ निगाह भी बने हुए हैं। आप देखें धड़ाधड़ इमरान खान को कभी कॉलें आ रही हैं, कभी शाह महमूद कुरैशी से रबता किया जा रहा है, कभी हमारे सिक्योरिटी के इदारों के आला अहदेदारों के साथ उनके इंटेलिजेंस चीफ्स और दीगर लोग पाकिस्तान के दौरे कर रहे हैं, आ भी रहे हैं, मिल भी रहे हैं, मुलाकातें भी हो रही हैं, राहो रस्म भी बढ़ाया जा रहा है। लेकिन भारत समेत इन तमाम साम्राज्य जो ताकतें हैं उनके लिए हम किसी भी सूरत काबिले कबूल नहीं है। मगरिब अपनी दुश्मनी में कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देता जिस वक्त वो पाकिस्तान को कारी जर्द लगा सके। ये उनका बुग्ज है पाकिस्तान के खिलाफ। आप देखें पाकिस्तान और न्यूजीलैंड क्रिकेट सीरीज जो है वो भी इसी दुश्मनी का शिकार हुई है, उसकी नजर हुई है। याद रहे कि इस इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को बिग थ्री के नाम से जाना जाता है। और अब जो वो आया था रमीज राजा साहब की जानिब से बयान, जो चेयरमैन पीसीबी हैं और इमरान खान के एकामात के ऊपर, उन्होंने कहा कि हम आईसीसी में इस मसले को उठाएंगे। तो आप देखें इन्होंने साजिश और सारे ताने बाने किस तरह बुने कि न्यूजीलैंड के जो हैं वो ही आईसीसी के चेयरमैन हैं। फिर उसके बाद बिग थ्री जो हैं, जिस तरह भारत हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंग्लैंड हो गया, इसका आईसीसी में बड़ा अहम रोल है। और ये किसी सूरत नहीं होने देंगे कि पाकिस्तान वहां पर न्यूजीलैंड के खिलाफ, जो उसने पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की है इनके एमा पर, जो उसने हरकत की है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सके। या तो दोस्तों वीडियो आपने देख लिया, वीडियो देखने के बाद में आपके मन में जो सबसे पहले जो आपके फीलिंग्स आ रही है वो सबसे पहले कमेंट के रूप में यहाँ उतार दीजिए, क्योंकि आपका एक कमेंट पाकिस्तान के मुंह पे होता है तमाचा, और तमाचा मारना हर एक हिंदुस्तानी का फर्ज है। और इतना तमाचा इतना जोर से होना चाहिए कि उसकी गूंज लाहौर और कराची तक, रावलपिंडी तक बजनी चाहिए। तो दोस्तों पाकिस्तान दुनिया को ये बताने की कोशिश करता रहता है कि वो इतना मासूम है, वो इतना भोला है, इतना सीधा है, इतना मासूम है, जैसे वो कुछ जानता ही है। और भारत एक नंबर का दानव है, राक्षस है, जो हमेशा पाकिस्तान को तंग करता रहता है, पाकिस्तान को छेड़ता रहता है पाकिस्तान। लेकिन ये कितना ही झूठ बोल ले, कितना ही झूठ बोल ले, दुनिया इनकी हकीकत जानती है, इनकी वास्तविकता जानती है। शाबाश बेटा। और आप भी इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं, तो कमेंट में आप अपने विचार व्यक्त कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।